मेरा नाम हिमांशु है और मेरी एज है 24। तो हमेशा से अपनी चिन हमेशा से अच्छे चाहता था और मेरी चिन हमेशा पीछे थी, ऑब्वियसली टेढ़ी लगती थी, कर्व लगता था और पीछे पुश बैक रहती थी। तो मैंने ये चाहता कि मैं अपनी चिन हमेशा से अच्छी चाहूँ, खूबसूरत चाहूँ। तो मैंने डॉक्टर रजत गुप्ता जी को मैंने नेट पर देखा और यहाँ पे आके उनसे मैं मिला। बहुत अच्छे से उन्होंने मेरे को ट्रीट करा, काफ़ी अच्छे से ट्रीट करा, एक्सप्लेन करा मेरे को, वैरायटीज ऑफ चिन एगमेंटेशन इम्प्लांट्स बताए कौन से कैसे किस टाइप के होते हैं, किस टाइप के शेप आपके फेस पे सूट करेगा, किस टाइप के नहीं। तो मैं इसी बात पे वरीड रहता था हमेशा। तो इन द एंड मैंने उनसे ट्रीटमेंट लिया। ऑब्वियसली मैंने रिव्यूज़ देखे नेट पे, उनके रिव्यूज डॉक्टर रजत गुप्ता के बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं मैंने नेट पे देखा, और उन्होंने जो नेट पे वीडियोस डाल रखी है उसमें बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन दे रखी है सर्जरी कैसे होते हैं, प्रोसीजर क्या सर्जरी के, और इम्प्लांट्स किस टाइप के होते हैं, और पोस्ट सर्जरी और सर्जरी से बिफोर क्या करना है। तो वो चीज़ों से एक्सप्लेनेशन मेरे को इतनी अच्छी लगी, मैं ऑब्वियसली रिव्यूज़ और एक्सप्लेनेशन देख के आया था। हाँ जी, मेरे को ऑप्शन दी तो सारी दी थी, पर ये था चिन फिलर हो गया, उसमें ये था कि चीज़ टेम्परेरी रहती है 15 मंथ्स, लास्ट 12 मंथ्स, पर मेरे को परमानेंट चाहिए था क्योंकि चिन तो एक ऐसी चीज़ है फेस की कि मतलब कोई परमानेंट हो जाए वही अच्छा है। तो फिर मैंने डिसाइड करा कि मैं चिन इम्प्लांट में जाऊँगा, वो सबसे बेस्ट लगा मेरे को। उसमें कोई मेजर सर्जरी नहीं होती इतनी बड़ी, नॉर्मल एक एनेस्थीसिया, फुल एनेस्थीसिया दिया जाता है और सर्जरी करी जाती है, और उसी सेम डे आप घर वापसी जा सकते हैं। तो मैंने वो प्रेफर करा। नहीं, कोई स्कार नहीं रहा, कोई पेन नहीं रहा, बस वो थोड़ा बहुत जो लगता है अभी था, थोड़ा बहुत तो लगता ही है, पर कुछ इतना खास नहीं, क्योंकि मेरे को पेन किलर्स दी गई थी, एंटीबायोटिक्स दी रखी थी, तो मुझे कुछ नहीं होना। तो एक दिन सर्जरी के अगले दिन से मैंने अपना डेली रूटीन वाला फूड शुरू कर दिया था खाने। एक्चुअली मेरे को कोई बता ही नहीं सकता, किसी ने, मेरे घर वालों ने, मेरे रिलेटिव फ्रेंड्स, मैं अगले दिन से ही बाहर जाना शुरू कर दिया था, किसी को लग ही नहीं रहा था कि सर्जरी हुई है। रिजल्ट तो मेरा बहुत अच्छा रहा, और जो अननेचुरल वाली बात है ऐसा कुछ नहीं है, पूरा नेचुरल लगता है। मैंने जैसे कि कहा कि मैं सबसे मिला हूँ, किसी ने नहीं, कोई नहीं बता पाया कि कोई सर्जरी कराई है या कुछ हुआ है। सबसे ज्यादा मैटर जो इस चीज में मेरे को करा वो करा कॉन्फिडेंस, एक अलग पाइक पे चला गया मेरा कॉन्फिडेंस, काफी इंक्रीज हो गया, क्योंकि फेस ब्यूटी, बॉडी ब्यूटी ये सबसे इंसान की लाइफ में मैटर करता ही है, और वो कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता ही करता है, और मैंने ये खुद आजमाया, कॉन्फिडेंस सच्ची में मेरा बहुत इंक्रीज हुआ है। नहीं तो मैं यही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर से आके मिले, डॉक्टर रजत गुप्ता से मिले या किसी सर्जन से मिले, बट ये जो नेट पे जैसे और रिव्यूज रहते हैं या यूट्यूब पे जो एक्सप्लेनेशन करते हैं उनमें इतना नहीं पता चलता, आप खुद आके मिलोगे तो आपको पता चलेगा। जैसे कि मेरे को खुद पता चला आकर, एक्सप्लेनेशन और अच्छे से हुई और सब इंफॉर्मेशन मिलती है। टीम वर्क बहुत अच्छा है डॉक्टर रजत गुप्ता का, काफ़ी अच्छा है, कोई शिकायत का मौका नहीं दिया गया, सब टाइम पे हुई चीज़ें, और बहुत ही अच्छा नेचर रहा, सब कुछ एक्सप्लेनेशन आराम से करा, कोई जल्दबाजी नहीं। और रिव्यू के लिए भी मैं आया, कोई उसमें वो नहीं, दो बार रिव्यू के लिए भी खाया, कोई मुझे किसी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं।